फुल थ्रॉटल देना होगा और क्लच छोड़ना होगा एक साथ, तो भाई इस पे बाइक फेंका सकती है। मुझे पता है नेगेटिव कमेंट करने वालों ने नेगेटिव कमेंट करना है कि गाड़ी मैटर नहीं करती है, राइडर मैटर करता है भाई ड्रैग रेस में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लॉन्च कंट्रोल कैसे ऑन कर सकते हैं कोई भी बाइक पर, चाहे वो स्प्लेंडर हो पल्सर हो। सुनो पटाखे देखते हैं फूटते कि नहीं, ये देख लो भाई घर पे बुलेट पे ब्रेक टाइट कर लो भाई आप लोग। कैसे हो आप सब, आई होप सब कोई ठीक ठाक होंगे। भाई एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि बड़ा ज्यादा बिजी था, तो आज की वीडियो फिर से भाई बुलेट पे लेके आ रहे हैं बहुत ताबड़तोड़। तो बुलेट में मैंने लगाया था शॉर्ट बोतल मोटे मुंह वाला, जो कि भाई बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आवाज़ भी बहुत कम हो गई थी। तो आज बुलेट पे चल रहे हैं, हाउ टू एक्टिवेट लॉन्च कंट्रोल इन एनी बाइक और बुलेट सब पता लग जाएगा। तो बुलेट पे सी पाइप लगा हुआ है तो, और एग्जॉस्ट जो लगा था वो खोल दिया है। अभी इस पे लगाएंगे लंबा, क्योंकि भाई मुझे पसंद है लॉन्ग बोतल यानी कि पटियाला, उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। पीछे ड्यूक लगी हुई है, हायाबुसा को अंदर लगा दिया और देख लो भाई यहाँ पे सारा काम चल रहा है। भाई निकाल ले भाई, दोनों एग्जॉस्ट खोल ली है, सब कुछ अभी कर रहे हैं हम सेटअप रेडी। और यहाँ पे देखो भाई, आज ऑडी भी आपका भाई लेके आ चुका था, यहाँ पे देख लो ऑडी, इसकी भाई सर्विस वगैरह सब हो गई है और इसके भी वॉशिंग होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑडी वर्सेस भूसा हम करने वाले हैं। बाकी एग्जॉस्ट लगाते हैं, लॉन्ग बोतल जो है ना उसका मज़ा ही अलग है। और भाइयों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बल्ब है ना उसकी मैंने निशा पे रील डाल दी है, देख लेना। ये वाला एग्जॉस्ट लगा लो भाई, ये एग्जॉस्ट बेस्ट है, इसकी आवाज़ भी अच्छी है प्यारी है। तो फटाफट इस पर एग्जॉस्ट चेंज करते हैं भाई। देखो भाई ब्रेक इसकी बुलेट की पूरी लूज थी, तो भाई सबसे पहले ब्रेक टाइट कर रहे हैं। यहाँ देख लो, यहाँ से ब्रेक इसकी टाइट होती है, ये इसको घुमा दे रहे हैं। ये देख लो भाई घर पे बुलेट पे ब्रेक टाइट कर लो भाई आप लोग भी, क्योंकि काफ़ी भाइयों को पता नहीं है ब्रेक कैसे टाइट होती है। बुलेट का थोड़ा सा ड्रम का सिस्टम अलग है, ऊपर वाला खोलने के बाद नीचे वाला हमें इसको कस देना है, ब्रेक पूरी टाइट हो जाएगी, ओके रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो ब्रेक इसकी टाइट हो गई है भाई पूरी, ब्रेक पूरी ओके रिपोर्ट हो गई है। बुलेट देखो भाई चकाचक पूरा कचाकच कर दिया है, और फटाफट इस पर लॉन्ग बोतल लगाते हैं और लॉन्ग बोतल की तैयारी चल रही है, ये देख लो, ठीक है। और भाई आज मैं यार ये स्टड्स वाला हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये हेलमेट बहुत ही कंफर्टेबल है, बाकी दूसरा वाला जो हेलमेट है बहुत ही टाइट हो जाता है। टूल बॉक्स देख लो आपका भाई ये यूज़ करता है। हाँ जी क्या हो गया, तो भाई देखो लॉन्ग बोतल कैसे लगेगा, ये देख लो ये है, इसको हम लगाएंगे इसमें ऐसे, ठीक है। तो पकड़ इसको, तो और ये इसका लगेगा ऐसे। और देखो भाई ये टाइट हो चुका है भाई, टूल्स होने बहुत जरूरी है वरना काम नहीं होगा यार। चलो भाई एग्जॉस्ट ओके, अभी हम हाईवे आ चुके हैं और भाई मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, ठंड बहुत लग रही है। आवाज़ सुनो, आवाज़ सुनो, पटाखे देखते हैं फूटते कि नहीं। देखो भाई पटाखे नहीं फूट रहे, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि मैंने इसका पेट्रोल और एयर मिक्सचर जो होता है उसको ऐसा सेट रखा कि पटाखे नहीं फूटेंगे, वरना सी पाइप है लॉन्ग बोतल है, पटाखे एक बार फटने चाहिए पर नहीं फट रहे, ऐसा आपके भाई ने सेट करा है। और लॉन्ग बोतल की आवाज़ कितनी प्यारी, एक बार सुनो भाई आवाज़ सुनाता हूँ, आवाज़ सुनो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की प्यारी साउंड आ रही है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लॉन्च कंट्रोल कैसे ऑन कर सकते हैं कोई भी बाइक पे करोगे भाई आप लोग, कोई भी बाइक पर, चाहे वो स्प्लेंडर हो पल्सर हो हायाबुसा हो H2R हो, आप किसी पे भी लॉन्च कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका बताऊंगा और बता दे रहा हूँ लॉन्च कंट्रोल के फायदे क्या है। पहला व्हीली नहीं उठेगी, दूसरा आप लोग ड्रैग रेस किसी भी बाइक के साथ करोगे आप लोग आगे निकलोगे ही निकलोगे। मैं इतनी रेसें करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सबको कि मेरे साथ कोई भी आके ड्रैग रेस कर ले, मैं सबको बीट कर दूंगा, क्योंकि क्लच का खेल होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगा हाउ टू विन एनी ड्रैग रेसेस, कोई भी ड्रैग रेस आप लोग जीत जाओगे, गाड़ी मैटर नहीं करती है, राइडर मैटर करता है भाई ड्रैग रेस में, बता दे रहा हूँ। नहीं पता है लोगों को भाई, ताबड़तोड़ रोज नई नई वीडियो लेके आएगा फुल पावर के साथ, मैं बता रहा हूँ भाई। व्लॉग पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, तभी मुझे भी पावर आती है, आप लोग कमेंट करते हो तो ठीक है। लाइट चेक करना भाई कितनी जोर है, इसकी रील आ गई है भाई, अगर इसका सब कुछ डाल दूंगा। बाकी बता रहा हूँ कि लॉन्च कंट्रोल के ये सब फायदे होते हैं, तो भाई सीख लो लॉन्च कंट्रोल कैसे करते हैं। और एक चीज़,
पलटी भी होती है बाइक भाई, ध्यान रखना ठीक है। आवाज सुनो बहुत ही प्यारी, देखो पटाखे फूटे, देखो फिर फूटेंगे, ये देखो देखा पटाखे फूटते हैं, बट अगर रेस दे के रखूँगा तो नहीं फूटेंगे क्योंकि बाइक पूरी सेट रखी हुई है। तो अभी चलूँगा भाई, लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट करके दिखाऊंगा, आप लोग भी ट्राई कर लेना बट विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर। मैं मुझे किसी भाई ने बोला कि इस पे भाई आप डिस्क ब्रेक लगा लो, नहीं भाई मुझे देसी रखना है यार अपना बुलेट, देसी की बात ही अलग है। आवाज़ सुनो बहुत ही प्यारी, शानदार, लवली, नेक्स्ट लेवल। टाइम देखो भाई 4:50 हो गए, ठंड बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा। बट मुझे पता है नेगेटिव कमेंट करने वालों ने नेगेटिव कमेंट करना है, तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वाले यानी कि पूरी मिट्टी वाली एरिया पे आप लोगों को लॉन्च कंट्रोल ऑन कर दिखाऊंगा फुल थ्रॉटल के साथ लाइव वीडियो पे। आप लोग दिखाता हूँ पहले भाई, बैक कैमरे से एक बार चेक करो, ये थ्रॉटल है, फुल थ्रॉटल देना होगा और क्लच छोड़ना होगा एक साथ, तो भाई इस पे बाइक फेंका सकती है, इसलिए मिट्टी वाली एरिया पे लेके आ गया हूँ कि देखो भाई स्किट नहीं कर रहे टायर, सारा खेल है क्लच का। आप लोग ट्राई करना, क्लच एक बार मैं छोड़ूंगा फुल थ्रॉटल के साथ, देखो फुल थ्रॉटल लूंगा, 1-2 फुल थ्रॉटल, देखो पूरे पावर के साथ बुलेट लॉन्च हुई है, देख रहे हो स्किट नहीं हुई है, पूरी पावर के साथ लॉन्च हुई है, ये होता है लॉन्च कंट्रोल रियल। उसके बाद भाई आप लोग जो गियर शिफ्टिंग करते हो ना विदाउट क्लच गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ जो कि टाइम बचत होगी। फिर से लॉन्च कंट्रोल ऑन कर रहे हैं, 0-80 तक करेंगे, देखना भाई ये क्लच दबाया हमने फुल, पूरे चारों फिंगर से क्लच दबा लिया, या दो एक फिंगर यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर दो फिंगर मत करना, या तो फुल फो हैंड करो या वन फिंगर। ये एक्सलेटर है, फुल एक्सलेटर दूंगा, देखना भाई फुल, ठीक है ये देखो फुल, ठीक है अब क्लच छोड़ दो, ये गियर पे नहीं लगी थी बाइक, ये देख लो फर्स्ट गियर, फुल थ्रॉटल में क्लच छोड़ूंगा, देखना भाई ठीक है। देखा भाई, तो देखो फिर से दिखा रहा हूँ ठीक है, फुल थ्रॉटल, देखो क्लच नहीं दे रहा हूँ, पावर लॉस नहीं होगी बाइक के, ठीक है ये कुछ तरीका है लॉन्च कंट्रोल का। तो इस तरीके से भाई आप किसी भी बाइक पे लॉन्च कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है बाइक को सेफली लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो कोई दिक्कत हो भाई आप लोग कमेंट करना, वरना अगर आप लोग एक बार में क्लच छोड़ोगे ऐसे तो व्हीली उड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें व्हीली नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे बाइक को तरीके से लॉन्च करना है, ठीक है। क्लच ऐसे करोगे तो व्हीली उड़ जाएगी, बट हमें जो चीज़ करनी है धीरे धीरे रिलीज़ करना है टाइमिंग के साथ, ताकि चक्का स्किट मत हो, बाइक फुल इंजन पावर रिलीज हो, मतलब इंजन अपनी फुल पावर छोड़े और वो क्लच आपको धीरे धीरे टांग के लेके जाए, ठीक है तरीके से करना, वरना भाई क्लच प्लेट भी ख़राब हो सकती है, बाइक पलट भी सकती है, तो ध्यान रखियो भाई ये चीज़ का ध्यान रखियो, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, बहुत ही मज़ा आया यार बुलेट पे मुझे आज व्लॉग करके, और भाई सच बता रहा हूँ जब से बुलेट तैयार कराई है ना मेरा नहीं मन कर रहा है यार कि अभी मैं किसी सुपर बाइक पे वीडियो करूँ, बाकी करेंगे ऐसी बात नहीं है, बट बुलेट पे व्लॉग आप लोग इन्जॉय करते रहो, एक से एक चीज़ें बुलेट पे मॉड करते रहूँगा। और अभी जो चीज़ मैं करने वाला हूँ बुलेट पे, अभी जो चीज़ मैं बुलेट पे करने वाला हूँ नेक्स्ट, वो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को देखना भाई, बुलेट पे ही बैक टू बैक व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई।